मैं हृदय, आप सबको मेरा नमस्कार। 26 जनवरी सन 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इस दिन हमारे देश को गणतंत्र घोषित किया था। हमारे देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। उनके द्वारा रचित हुए संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आजाद भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे। गणतंत्र दिवस पर स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर झंडा फहराया जाता है। इस दिन नई दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राजपथ तीनों सेनाओं की भव्य परेड की आयोजन होती है। भारतीय सेनानी अपने हथियारों के साथ अपने बल का सुंदरता दिखाते हैं। इस दिन राष्ट्रपति वीरों को वीरता पुरस्कार देते हैं। हमें अपने संविधान की आदर करना चाहिए और अच्छे नागरिक बनना चाहिए। हमें अपने सेनानियों की बलिदान हमेशा याद रखना चाहिए। जय हिंद। आप सबको मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे अध्यक्ष गुर्जर और मेरे प्रिय सहपाठियों नमस्कार। आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस के बारे में एक छोटा भाषण यहाँ प्रस्तुत करती हूँ। आज भारत का बहादुर गणतंत्र दिन भारत के सब लोग मनाया जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के समान गणतंत्र दिवस भी हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। हर साल जनवरी 26 को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। सन 1987 अगस्त 15 को अंग्रेज लोग भारत का शासन हमें सौंप दिया। तब भारत के लिए एक नया संविधान बनाकर तैयार हुआ। 1929 को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन को आधार पर 1930 जनवरी 26 को संपूर्ण स्वराज की गवेषण की गई। उसकी याद है, उसकी याद 26 जनवरी 1950 से नया संविधान लागू किया गई। इसके अनुसार भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। इस दिन नई दिल्ली में राजपथ पर आकर्षक परेड है का आयोजन होते हैं। उस दिन राष्ट्रपति भारत की जनता का अपना संदेश सुनाता है। हमारे तीन संघों को सैनिक उनका अभिवादन करते हैं। नए संविधान अनुसार भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित है। इस दिन भारत मेंबर सभी सरकारी कार्यालयों और अन्य संस्थानों उनका में राष्ट्रीय झंडा फहराया जाते हैं। भारतीय आत्मा को बलिदान की अमर कहानियों इस तारीख पीछे जलते हैं। स्वतंत्रता भारत के समान देश भर में यह त्योहार बड़े आधार का साथ मनाया जाते हैं। मैं अपने छोट भाषण समाप्त है। धन्यवाद। जय हिंद। मैं अपने आदरणीय शिक्षक शिक्षिका और मेरे सभी सहपाठियों को सुबह का नमस्कार करना चाहूँगी। जैसे कि हम सभी के लिए बहुत शुभ अवसर है, 1950 से हम गणतंत्र दिवस को हर साल दर सारे हर्ष और खुशी के साथ मनाते हैं। शताब्दियों की परतंत्रता उबरात भारत 15 अगस्त 1927 स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने पर देश के कर्णगारों ने भारत का नवीन संविधान को लागू किया। आप सभी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद।